पंचल मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। वक्त हो चला है आज के ताजा खबरों का, आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। चौंकिए मत, ये जयसिंहपुर का विकास बिलबिला रहा है। जी हां, यहां विकास अपने उफान पर है। समाज सेविका मलिका सिंह ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान खोली दिग्गज नेताओं के विकास कार्य की पोल। मामला सुल्तानपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र से जयसिंहपुर से जुड़ा है, जहां के विकास की धज्जियां कुछ इस तरह उड़ाई जा रही हैं जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको बताते चलें कि कल दिनांक 19/9/2021 को सुल्तानपुर जिले की प्रसिद्ध समाज सेविका अभिनेत्री मलिका राजपूत अपने विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर के भ्रमण पर निकलनी थी। उन्होंने जो देखा वह काफी विचलित करने वाला दृश्य था। ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। जलभराव के चलते जयसिंहपुर के कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। तकरीबन 15 घरों में पिछले कई दशकों से बिजली नहीं है, या यूं कहें तो बिजली के तार भी नहीं है। पहाड़पुर, फतुहा, प्रधान जी का पुरवा, डंडवा कला, मलवा जैसे कई तराई इलाके सड़े हुए जमा पानी में जी रहे हैं। फसल सड़ गई। मौके पर ग्राम प्रधान कपिल देव यादव, सुनीता सिंह के प्रतिनिधि गुड्डू सिंह और लेखपाल श्याम नारायण मौर्य को बुलवाकर उनसे इस समस्या के तत्काल निस्तारण हेतु तुरंत कार्यवाही के लिए कहा। साथ ही CDO अतुल वत्स्य साहब को फोन पर जनता की दयनीय स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने तत्काल DPRO RR भारती जी से इस समस्या के निस्तारण हेतु बिना समय गंवाए समाधान के लिए संज्ञान में लिया और अधिकारी तत्काल प्रभाव से जनता की समस्या को लेकर सुचारू रूप से काम शुरू करवाने हेतु न्याय संगत कार्यवाही कर रहे हैं। मलिका जी ने बताया कि मेरे साथ पूरे ग्राम सभा की जनता खड़ी रही। विपुल सिंह, प्रभास सिंह, नीरज पांडे, जीवन सिंह, रमेश चंद्र, मुलायम यादव, प्रकाश सिंह, पिंटू यादव के साथ दर्जनों युवा इस सामाजिक कार्य हेतु दिन भर चलते रहे। जिले के अधिकारियों की मुस्तैदी सराहनीय है। लाइव टीवी समाचार के लिए सुल्तानपुर से आशुतोष सिंह की रिपोर्ट। देखिए बड़ा कष्ट में हो के इस तरीके का जीवन नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट ला गए ब्लॉक में जाए कि ये बाबू का डिटेटर और डिटेयर परिवर्तन इनके ऊपर तुरंत तन को रोवाना काटा पानी के तो तू रोवाना। लेखपाल जी नाम दिखाइए इनका, कहां है? दयाराम शीतल, दयाराम इनके आता है। इनका आपका ही परिवार है? ये नंबर पहले नहीं आए तो ये नहीं रहेगा इनका, ऐसा नहीं है। लेकिन जल्दी कागज लाओ, ठीक मत बेटा, समझाओ आपका ये होगा। चलो चलो भाई, मैडम घर आ गिरा हुआ है। चलो और लेखपाल साहब एक बात और, अगर जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था नहीं होगी तो ये लोगों को गाड़ी में भर के आपके घर के एक कमरे में छोड़ूंगी जब तक नहीं इनका अलॉट होता। नहीं ठीक है, ऐसा हमारे यहाँ स्वामी की तरफ से कुछ नहीं रहेगा। आपको ऊपर से कोई समस्या आए तो मुझे बताइए, लेकिन अगर आप इनके लिए नहीं करेंगे तो हम इनको आपके घर में रखेंगे। तत्काल सूचना प्रधान का दी है आप? प्रधान जी घर भी दी। अच्छा लग रहा है, ध्यान दीजिए, आपकी की जनता है ये। सर हम सूचना अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप बेटा चिंता मत करो और फोन करो, लेखपाल जी साथ में खड़े हैं, प्रधान जी साथ में खड़े हैं, ठीक है। और माता जी आंसू न बहा के और अपमानित न करिए बिटिया को, सब अच्छा, ये आंसू अब न दिखे लेखपाल साहब, ठीक है मतलब रोना रो। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।